आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार 26 अक्टूबर 2020 को दशहरे का पर्व मनाया गया। माता रानी की विदाई, 9 दिन तक माता रानी सिवनी में विराजी रहीं। उसके बाद माता रानी की विदाई पूरे विधि विधान से की गई दलसागर तालाब में। आप देख सकते हैं किस तरह से नगर पालिका परिषद के द्वारा बहुत मुकम्मल इंतजाम किए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दलसागर का मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं। दलसागर के मुहाने पर देख सकते हैं आप नगर पालिका परिषद के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, वो व्यवस्थाएं वाकई बहुत ही माकूल इंतजाम की श्रेणी में आते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद का पूरा अमला पूरे समय जुटा रहा। पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन सभी यहां पर मुस्तैदी से मौजूद रहे। कोरोना काल में नगर पालिका परिषद के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्थाएं अब तक की गई हैं, वे वाकई सराहनीय मानी जा सकती हैं। क्रेन के जरिए, क्रेन भी आप देखिए आपके सामने खड़ी हुई, क्रेन के जरिए प्रतिमाओं का विसर्जन नगर पालिका परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दलसागर में पूरे सुरक्षा साधन यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे। जगह जगह विराजी माता दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला थोड़ी ही देर में आरंभ होने वाला है। सोमवार 26 अक्टूबर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं, आप देखिए सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी का पालन सबके द्वारा किया जा रहा है। मास्क भी सभी लगाए हुए दिख रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के बारे में सिवनी के सारे लोग समझ चुके हैं। अब सिवनी में कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद भी बहुत कम होती जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका का अमला पूरी तरह मुस्तैद। पुलिस, नगर सेना, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी और आपदा प्रबंधन के सदस्य भी यहां मौजूद। देख सकते हैं आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। माता रानी की विदाई की घड़ी। फिलहाल यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये देखिए माता की प्रतिमा पहुंची दलसागर तालाब। दलसागर तालाब में माता की प्रतिमा के विसर्जन की तैयारियां। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में चैत्र नवरात्र के बाद शारदीय नवरात्र भी बहुत सारी बंदिशों के साथ मनाई गई। आस्था पर कोरोना का साया बहुत भारी नहीं पड़ा, इसलिए कि सिवनी के नागरिकों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा कोरोना कोविड-19 के बारे में जारी गाइडलाइन SOP के जरिए SOP का पालन करते हुए सारे त्यौहार मनाए गए। सिवनी की दुर्गोत्सव समितियां, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन, नगर पालिका परिषद सहित सभी बधाई के पात्र हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्रेन के सामने वाले हिस्से में झूला लगाया गया है। एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिस पर माता रानी की प्रतिमा को विराजित किया जाकर उन्हें विसर्जित किया जाएगा। ये क्रेन नगर पालिका के द्वारा ये देखिए किस तरह सजाई गई है। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, आस्था
बरकरार रहे। नगरपालिका परिषद के द्वारा ये प्रयास किए गए, बहुत सराहनीय प्रयास, कोरोना काल में जब बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, उन सब का पालन करते हुए नगरपालिका परिषद के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो वाकई बहुत सराहनीय व्यवस्थाएं मानी जा सकती हैं। समूचे आयोजक, आयोजन समिति, प्रशासनिक अमला सभी इस मामले में बधाई के पात्र हैं। हवा बह रही है, आप देखिए किस तरह लहरा रही हैं, क्रेन पर लगी जो झंडियां हैं किस तरह लहरा रही हैं हवा में, ये देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं तलसागर तालाब का नज़ारा। ये देखिए प्रतिमा को ले जाकर उस क्रेन के में बने स्ट्रक्चर पर रखा जा रहा है। क्रेन में रखे स्ट्रक्चर पर रखने के बाद प्रतिमा को क्रेन के जरिए विसर्जित किया जाएगा। हम आपको एक एक पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कोरोना काल में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपकी नाक कान बनी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन, मनोरंजक जानकारियां, विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें, ऑडियो बुलेटिन शायद ही अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ज़्यादा लोग इन खबरों को, जानकारियों को देख पाएंगे। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक ही बार करना, और सब्सक्राइब कैसे करना हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। ये देखिए माता रानी की प्रतिमा क्रेन के सामने बने स्ट्रक्चर पर रख दी गई है। अब इसके बाद क्रेन के जरिए माता रानी के विसर्जन की तैयारी आगे अब हम आपको दिखाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये हम आपको दिखा रहे हैं दलसागर का नज़ारा। कोरोना काल में जो जो चीज़ें आवश्यक हैं उन चीज़ों को नगरपालिका परिषद के द्वारा कराया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवनीत पांडे के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद का पूरा अमला बधाई का पात्र है। जिस तरीके से 9 दिनों तक साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ की गई हैं नगरपालिका परिषद के द्वारा, वे वाकई सराहनीय मानी जा सकती है। मुकम्मल व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए माता रानी की प्रतिमा को रख दिया गया है। अब इसके बाद क्रेन के जरिए, क्रेन भी पूरी तरह सजा कर रखी गई है। एक उत्सव के मानिंद ही प्रतीत हो रहा है। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, इस परिवर्तन के आप साक्षात गवाह बन रहे हैं। लगभग 100-100 सालों में इस तरीके की बड़ी आपदाएं आती रही हैं। चार बार 2020, 1920, 1820, 1720, चार बार का इतिहास गवाह है। देखिए क्रेन अब आगे बढ़ी, क्रेन दलसागर तालाब की ओर गमन कर रही है। अब आप देखिए माता रानी की प्रतिमा को ले जाकर वहाँ विसर्जन कराया जाएगा। ये बहुत ही नायाब एक पहल मानी जा सकती है कोरोना काल में नगरपालिका परिषद जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से। ये देखिए कुछ दूर तक माता रानी को लेकर गए श्रद्धालु, और उसके बाद अब माता रानी जल पानी में विसर्जित कराई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से, किस बेहतरीन और नायाब तरीके से माता रानी का विसर्जन कराया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन के द्वारा जो मुकम्मल तैयारियां करके रखी गई हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। सिवनी ज़िले में इस तरीके का नज़ारा नागरिक शायद पहली ही बार देख रहे होंगे। हल्की हल्की ब्यार, शीतल ब्यार के बीच में जो हवा चल रही है उसके बीच में माता रानी को नम आंखों से, भरे मन से श्रद्धालु विदाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल ये माता रानी चली, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com, इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उन वीडियो उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा ये खुल गया, इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज आएंगे वो तुरंत आपने, चूंकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।